नमस्कार दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पबीता फोगट के बारे में। जैसे कि दोस्तों हम सबको पता है कि यह एक गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर हैं। अब दोस्तों जैसे कि इन्होंने एक फिल्म करी थी आमिर खान के साथ दंगल, जो बहुत सुपरहिट भी हुई थी। अब दोस्तों लेटेस्ट सिनेरियो के बात करें तो जैसे कि कोरोना वायरस पूरे इंडिया में फैलता जा रहा है और निजामुद्दीन मरकज के बाद तो दोस्तों अब यह और फैल रहा है, तो इसी को लेकर दोस्तों बात करें तो इन्होंने एक ट्वीट किया निजामुद्दीन मरकज को लेकर, जिसमें दोस्तों इन्होंने हैशटैग निजामुद्दीन इडियट्स यूज करा था। तो दोस्तों इसी को लेकर यह बहुत ज्यादा ट्रोल होने लगी ट्विटर पर। फिर दोस्तों इन्होंने यह ट्वीट डिलीट करने की भी कोशिश करी। फिर दोस्तों इन्होंने एक और ट्वीट करा, उसी को डिफेंड करते हुए इन्होंने उसमें यह बोला कि मैं किसी कम्युनिटी को नहीं टारगेट कर रही हूँ, मैं खाली उन नर्स को टारगेट कर रही हूँ जिन पर हमले हो रहे हैं आइसोलेशन वार्ड में उनका इलाज करने के दौरान। तो दोस्तों देखा जाए तो इनकी यह ट्वीट्स को लेकर यह बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही है ट्विटर पर। अब दोस्तों आपका क्या कहना है इनके इस ट्वीट को लेकर, हमको जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और इन्हीं तरीके की अपडेट जानने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।